एक ऐसा अनोखा कलाकार जो कूड़े के ढेर में पड़ी बेजान लकड़ियों दिमागी हुनर के जरिए तराश कर उनमें जान फूंकता है। और इतना ही नहीं, जनाब ने अब तक सैकड़ों जानवर और कई नेताओं की आकृति बनाकर अपने घर को भी खूब सजाया हुआ है। देखिए बिजनौर से एक खास रिपोर्ट। स्मार्ट साउंड। आज हम आपको एक ऐसे अनोखे कलाकार से मिलवाने जा रहे हैं जिसका नाम है महेंद्र सिंह, जो बिजनौर का रहने वाला है। गौरतलब है कि महेंद्र सिंह सन 1984 में बैंक की नौकरी के दौरान पहाड़ी वादियों में घूमने के लिए निकले तो उसी वक्त पानी में बहती हुई लकड़ी की जड़ दिखाई दी, जो आकार में इंदिरा गांधी से हूबहू मेल खा रही थी। बस फिर क्या था, जनाब को खराब लकड़ी से ऐसा लगाव हुआ कि अब वो कूड़े की ढेर पर लकड़ी को तराशते रहते हैं। अगर आप में क्रिएटिविटी है और आप इमेजिनेशन है तो देखे ना, धरती पे अगर आप पानी के छींटे मारें तो उसको गौर से देखें तो वहाँ भी आप मार दिखाई देंगे, कुछ ना कुछ आकृति दिखाई देंगे। बादलों में देखें तो बादल हो तो वहाँ भी आपको डिफरेंट आकृति दिखाई देगी। देखने की नज़र चाहिए बस, नीचे ठीक है, जो घर में टाइल्स लगाते हैं ना उनको भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो उसमें बनी आकृति उससे भी डिफरेंट आपको दिखाई। खराब लकड़ी को अपने दिमागी हुनर के जरिए अब तक महेंद्र सिंह ने तमाम जानवरों को बना डाला, वो भी अदना से औजारों के जरिए। तमाम जानवर, चाहे वो कुत्ता हो या फिर जिराफ या फिर कई तरह के सांप ही क्यों ना हो, मानो ऐसे लगता है जैसे कि इनमें भी जान है। बेजान लकड़ी में जान डालना एक महारत हासिल है महेंद्र को, जिसने अब तक 10 के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आकृति बनाकर एक मिसाल पेश की है। साथ ही स्वर्गीय पीवी नरसिंह राव की आकृति देखकर जहां एक अनूठी मिसाल पेश की है, वहीं महेंद्र की माने तो इन जड़ों को सबसे पहले गर्म पानी और केमिकल लगाकर साफ किया जाता है, फिर मामूली से औजारों के जरिए यानी छोटी सी दराती, रेगमाल, हथौड़ी और लकड़ी का कलर वॉशिंग करके लकड़ी की जानवर नुमा आकृति कम वक्त में तैयार की जा सकती है। डिप फ्रूट का शौक जो है मेरे को 1983 से पड़ा, उस समय मैं नैनीताल में पोस्टेड था तो कई बार जंगल के थ्रू वनों के थ्रू आना जाना होता था, तो वहाँ पर मेरे को कुछ आकृति ऐसी मिली और यकीन करिए आप, जो पहली मैं आकृति लाया उसी को जब मैंने उस पर काम किया तो वो बहुत ही सुंदर बन के आई। और वो इंदिरा गांधी जी की शेप में, हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की शेप उसमें बन के निकल आई। लोगों ने जब उसको देखा तो बहुत सराहा गया और उसी से मेरे को शौक पड़ गया। उसके बाद तो फिर जहाँ भी मैं जाता हूँ, चाहे गाँव जाऊँ या शहर जाऊँ, और यहाँ तक कि कूड़े पर भी मेरी नज़र पड़ती है, उसमें भी कई आकृति मेरे को मिली। मेरठ में मैं पोस्टेड था, वहाँ भी एक कूड़े से मेरे को आकृति मिली और रात को मैं उठा के लाया उसको, क्योंकि दिन में तो अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह की मेन ये है कि आपको जो जुनून हो जाता है तो उसके पीछे आप कितना वक्त और कितना अपना समय देते हैं वो डिपेंड करता है। आपकी आर्ट जो है वो आर्ट डिवोशन चाहती है। महेंद्र जी, अब तक कितने आपने आकृति जड़ों से दे दी हैं, क्या कहना है और कौन सी खासियत है? मैं अब तक लगभग 100 के आसपास आकृतियाँ बना चुका हूँ और इसमें अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छी जो आकृतियाँ हैं, अच्छी तो मेरी सारी ही हैं, लेकिन सबसे जो मैं कहूँगा एक स्वर्गीय मिसेज इंदिरा गांधी की आकृति है, एक वल्चर है जो टेक ऑफ करने के पोजीशन में है, एक एराकोंडा स्नेक है, डिफरेंट स्नेक्स हैं और भी, और इसके अलावा इसमें हाइना की है, जानवरों में हाइना है, डॉग है और बर्ड्स की है, तो हर तरह की हैं। ऐसा कोई नहीं कि मेरी कोई थीम रही हो, क्योंकि ये नेचुरल है सब। इसमें तो ये है कि जो आपको लकड़ी मिली और उसमें आपको कुछ लग रहा तो आपको वही डेवलप करना, आपने आप से कुछ नहीं बना सकते आप। तो हर तरह की है इसमें आकृतियाँ और 100 से ऊपर आकृतियाँ अब तक हो चुकी हैं।
मैं विदुर जी की भूमि बिजनौर जिले का यूपी का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ बिजनौर शहर में एक बैंक में सर्विस किया करते थे, मैनेजर के पद से रिटायर है महेंद्र सिंह जी। मैं एक दिन उनके प्रोग्राम में गया, मैंने जाके देखा कि जो तालाबों में या नदियों में बाढ़ में बह के आई हुई खराब लकड़ी के उन्होंने आकार बनाने का कार्य किया है, उसमें जैसे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का आकार उन्होंने दिया है और सांप बनाने का कार्य उन्होंने किया है, तमाम महान मूर्तियों को बनाने का काम उन्होंने किया है। मैं समझता हूं कि हमारे देश की सरकार और प्रदेश की सरकार अगर ऐसी शख्सियत को थोड़ा सा उभारने का काम करें तो उनकी शख्सियत तमाम दुनिया के अंदर एक पहचान बना सकती है। हिंदुस्तान के अंदर नहीं, तमाम दुनिया में बिजनौर का नाम होगा, उस महेंद्र सिंह का नाम होगा, उस शख्सियत का नाम होगा। ऐसे लोगों की मैं सलाम करता हूं, उन्हें नमस्कार करता हूं, उन्हें मैं आदाब करता हूं। इस ऐसे तरह का व्यक्ति का नाम जरूर होना चाहिए जो उसने कारागरी करके दिखाई है। सरकार को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए उस पर। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज।